निकाय सफाई मजदूर संघ उत्तर प्रदेश के प्रांतीय उपाध्यक्ष ओमीलाल वाल्मीकि द्वारा जलकर कार्यालय स्थित कर्मचारी कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि 2 जनवरी 2024 और 25 का चुनाव उत्तर प्रदेश के नोएडा में संपन्न कराया गया, जिसमें ओमीलाल वाल्मीकि को मुरादाबाद का प्रांतीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उपाध्यक्ष का पद संभालते ही मुरादाबाद में चल रही स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ उत्तर प्रदेश संगठन की कार्यकारिणी को भंग करते हुए प्रेम बाबू वाल्मीकि और सुनील लश्करी की सेवाएं और सदस्यता समाप्त कर दी। बात करने पर प्रांतीय उपाध्यक्ष ओमलाल वाल्मीकि ने बताया कि आज की प्रेस वार्ता किस विषय को लेकर है। देखिए, स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ पूरे उत्तर प्रदेश का संगठन है और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कोने कोने के अंदर ये कार्य कर रहा है सफाई मजदूरों की समस्याओं को लेकर के। यहां एक भ्रम की स्थिति पैदा है और यहां कुछ सफाई कर्मचारियों को और अधिकारियों को भ्रमित किया जा रहा है कुछ लोगों द्वारा, जिस कारण ये हम लोगों को बहुत जल्दी इमरजेंसी में प्रेस वार्ता बुलानी पड़ी और इसका दूध का दूध पानी का पानी करना पड़ा। हमारा कहना यह है कि जैसे हमारे भाई प्रेम बाबू वाल्मीकि हैं, वो इस संगठन को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि इस संगठन में कहीं भी किसी पद पर नहीं है। ना ही हमारे भाई सुनील लश्करी जी इस पद पर कहीं भी नहीं है, स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ के किसी भी पद पर वो विराजमान नहीं है। किया तो हमने बहुत पहले था निष्कासित होने, लेकिन आज भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और वही लेटर पैड स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ का कभी जिला अध्यक्ष के नाम से, कभी महामंत्री प्रदेश के नाम से अधिकारियों को देख करके भ्रमित कर रहे हैं और कर्मचारियों को खमाखाई बेवकूफ़ बना रहे हैं। स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ का ये हमारे कने लेटर है, ये प्रमाण पत्र है, ये हमें जो रजिस्ट्रार के यहाँ से मिला है, इसमें स्वयं लिखा हुआ है कि ओमीलाल वाल्मीकि को प्रदेश का अध्यक्ष चुना गया है और बिल्लू चौहान को पूरी तरीके से, संजय चौहान नाम है उनका, उनको महामंत्री प्रदेश का चुना गया है। इसलिए मुझे आज ये बैठक बुलानी पड़ी कि भाई आप सही रूप में आइए, संगठन से आपका कोई लेना देना नहीं है, तब आप संगठन का लेटर पैड क्यों इस्तेमाल कर रहे हो। अरे जब हमने आपको रखा था जब ठीक थे, लेकिन अब एक साल से ज्यादा हो गया तुम्हें और निष्कासित कर दिया गया, हमने तुम्हें निकाल के बाहर कर दिया गया, तो संगठन से तुम्हारा वास्ता नहीं रहता। मजबूरन आज हमें प्रेस वार्ता बुलानी पड़ी और ये हमने ITI से भी मांगा गया कि क्या प्रेम बाबू वाल्मीकि कहीं है, तो ये प्रेम बाबू वाल्मीकि का नाम सीधा आया है कि इसके अंदर प्रेम बाबू वाल्मीकि कहीं भी इस संगठन स्थानीय निकाय में किसी भी पद पर नहीं है, ये क्लियर आ गया ITI से भी। और ये हमने सीधा अपना रजिस्ट्रार साहब के यहाँ से मांगा, ये रजिस्ट्रार है रजिस्ट्रेट जो हमारी यूनियन है, ये वहाँ से हम लोगों का यूनियन रजिस्ट्रेट है हमारी, इसको हमने मांगा, उसमें सीधा आया है ओमीलाल वाल्मीकि प्रदेश अध्यक्ष, संजय लाल वाल्मीकि ये रजिस्ट्रेट साफ जानता है, ये हम लोग काबिज हैं, ये हमारी यूनियन का रजिस्ट्रेशन, ये हमारा नंबर है जो हमारे संगठन का नंबर है। अगर इन पे कोई प्रूफ है, कोई ऐसा किसी नियुक्ति पत्र है जो वास्तविकता ट्रेड यूनियन से संबंध है और ट्रेड रजिस्ट्रार्ड के यहां से है, तो वह हमें दिखाएं कि हम भी रजिस्ट्रार्ड के यहां से आए, भाई हम भी इस संगठन के कुछ है, तो हम माने। सारे प्रूफ तो हमने मंगा लिए, रजिस्ट्रेड हम, संगठन हमारे नाम, सारे प्रदेश में संगठन को हम चला रहे हैं, तो आप काय के लिए भाई भ्रमित कर रहे हो तमाम अधिकारियों को और कर्मचारियों को। इसलिए आज हमने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, इसका खुलासा किया है और हमने काफी लोगों को, ये देखिए सुनील लश्करी को निकाला गया रजिस्ट्रेट के यहाँ से, जब हमारे कने आई सूटना, तो हमने सुनील लश्करी जो जिला अध्यक्ष अपने को बनते थे और वो लिखते थे,
उसको हमने निष्कासित कराया गया वहां से। ये भाई प्रेम बाबू हैं, ये भी स्टेट के आसे खत्म हो चुके हैं, इनको भी हटाया, ये खत्म हो चुके हैं। अब हमने तय कर लिया है ये कम से कम पूरे प्रदेश के लोग हैं जिनकी गतिविधियां गलत थी संगठन के नाते, और वो गलत तरीके से इन गतिविधियों को इस्तेमाल कर रहे थे, संगठन को बदनाम कर रहे थे, दलाली कर रहे थे संगठन के नाम से। हमने इतने लोग निकाल दिए, इसमें मानकलाल भी हैं, प्रेम बाबू भी हैं, सुनील लश्करी भी हैं और अन्य लोग भी हैं प्रदेश के, जिनको हमने निकाल दिया। और ये रजिस्ट्रार कानपुर गई लिखा हुआ है ये सब। तो जब इनको निकाल दिया, बाकायदा रजिस्ट्रेड यूनियन ने मान लिया, तो अब इनका कोई उचित नहीं रहता कब संगठन में किसी पद पर भाई प्रेम बाबू या सुनील लश्करी रहे। इसलिए हमारी आज जरूरी था कि हम एक कॉन्फ्रेंस बुलाए, एक प्रेस वार्ता बुलाए, और जो अधिकारियों को और कर्मचारियों को इस संगठन के नाम से भ्रमित किया जा रहा है और बदनाम किया जा रहा है संगठन को, और लेबल गलत लगा जा रहा है कि संगठन का सारे बौरा सब कुछ तो हमें चुना, और तुम खाना खाई के लिए भाई महामंत्री और जिलाध्यक्ष लिख रहे हो, तो तुम पर प्रूफ क्या है? दिखाओ हमें प्रूफ। अगर तुम पर कोई रजिस्ट्रार्ड का प्रूफ है, तुम पे कानपुर रजिस्ट्रार्ड का कोई प्रूफ है, तुम पे कोई अलीगढ़ रजिस्ट्रार्ड का प्रूफ है, आईटीआई का कोई प्रूफ है कि हाँ तुम कहीं पर लिखित में हो, तो हम तुम्हें मान ले भैया, हाथ जोड़ लेंगे तुम्हारे आगे कि हम गलत हैं। लेकिन जब हम तुम्हें सारे प्रूफ दिखाने, तो तुम भी हमें ऐसे प्रूफ दिखा दो भाई। इसलिए हमने आज जो है कार्यकारिणी एक तरीके से तय किया था, और आज हमने तमाम मीडिया भाइयों को बुला करके, सारे समाचार पत्रों को बुला करके, और अपनी बात को उजागर करा, जिससे कल आने वाले समय में कोई अधिकारी भ्रमित ना हो प्रेम बाबू एंड पार्टी सुनील लश्करी से, और गलत तरीके से हमारा स्थान निकाय सफाई मजदूर संघ का लेटर पैड ना ही प्रेम बाबू करें इस्तेमाल, और ना ही हमारे सुनील लश्करी का। यदि अगर ये करते हैं दोनों जने, तो हम इसके आधार पर, आईटीआई के आधार पर, ट्रेड यूनियन के माध्यम से हम इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, और जो भी कुछ होगा वो हम करने के लिए तैयार होंगे। ये अच्छा नहीं है। अरे आपको अगर सफाई कर्मचारी को बगालत करने है, तो कोई भी दुकान खोलो, चले जाओ, भतेरी दुकानें खोल ले चले जाओ। लेकिन ये दावे के साथ कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ के अलावा आज कोई भी संगठन जीवित नहीं है। कोई संगठन आज कार्य नहीं कर रहा सफाई मजदूरों की बदौलत। आज कोई भी संगठन उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है, और ये तो बड़ा सौभाग्य की बात है यार। इन दोनों को सोचना चाहिए। बड़ा सौभाग्य है, पहली और प्रथम बार हम दूसरों को नेता मानते थे प्रदेश का, हम दूसरों को अध्यक्ष बना करके चलते थे, उनके दिशा निर्देशों पर हम काम करते थे दूसरे जिलों के लोगों के ऊपर। लेकिन आज तो तुम्हारी मुरादाबाद के अंदर आज प्रदेश का अध्यक्ष मिल गया तुमको, तो तुम उसे सपोर्ट नहीं कर रहे हो, दूसरे को बाप बना रहे हो, अपने को तुम छोड़ो भी हो। तो मेरा अनुरोध है कि आप कभी भी लेटर पैड भाई प्रेम बाबू जी, भाई सुनील लश्करी जी, स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ का नहीं इस्तेमाल करेंगे। अगर करेंगे तो हम तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होंगे, बाधा होंगे।